हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिजीज कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सो फर्स्टली, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मीनिंग क्या है? ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन, अर्थ, जॉइंट एंड आइटिस इन्फ्लामेशन, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन की अगर बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज। जॉइंट की ये डिजीज है जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। इट कैन अफेक्ट ऑल जॉइंट्स बट मोस्टली अफेक्ट नीज एंड हिप। जो नी जॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट अफेक्ट तो किसी भी जॉइंट को कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में इट कैन बी मल्टीफैक्टोरियल, मीन्स बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिजीज कंडीशन के अपीयर होने के। इट कैन बी एनवायरमेंटल, जेनेटिक, एंड सेकेंड वन इज वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट है उसकी वियरिंग एंड टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप्स की अगर बात करें, दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो यूजली एज रिलेटेड होता है एंड ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं एज लाइक नी जॉइंट है, उन वो जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। सेकेंडरी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके फर्दर कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि कोई पोस्ट ट्रोमा हो सकता है, क्रोनिक लीवर डिजीज रही हो, एल्कोहलिज्म, पेशेंट स्टीरोइड पे है या फिर डायलिसिस पे है। कोक्सावारा, कोक्सावारा एक कंडीशन होती है जिसमें जो फीमर बोन है उसका हेड एंड उसके शाफ्ट में जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है एंड उसकी वजह से लेग शॉर्टनिंग और डिफॉर्मिटी हो जाती है, विच फर्दर कैन लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड माल यूनाइटेड फ्रैक्चर कैन बी देयर। माल यूनाइटेड फ्रैक्चर में जो बोन फ्रैक्चर है वो हील तो हो जाती है बट उसकी पोजिशन है वो प्रॉपर नहीं होती। देन ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मोर कॉमन है। नेक्स्ट पैथोलॉजी की बात करते हैं, दैट जो डिजनरेशन है वो प्राइमरली अफेक्ट करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजेस को। जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से प्रोटियोग्लाइकन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है एंड उसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिब्रिलेशन ऑफ कार्टिलेजेस, वो तेज मूवमेंट के साथ आर्टिकुलेशन होने की वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। रबिंग एक्सेसिव होती है एंड एक्सपोज्ड बोन कैन बी देयर। जो मार्जिन्स हैं बोन्स के उन पे हाइपरट्रोफी हो जाते हैं एंड उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट एट द एंड लीड्स टू डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? सो फर्स्टली, एल्डर पीपल्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है ओल्ड एज पीपल्स को। लोअर लिम के जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, जो बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, पेन है जो वो अर्लीस्ट सिम्टम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इंटरमिटेंट इनिशियली देन कॉन्स्टेंट। स्टार्टिंग में जो पेन है वो रुक रुक के होगा बट बाद में वो कंटिन्यू होने लगता है, और कोई अगर एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे जो पेन है वो वर्स कंडीशन अपीयर हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ कोर्स क्रेपिटिस, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स कैन बी देयर। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर्स तक देखने को मिलती है। एग्जामिनेशन करते हैं तो जॉइंट टेंडरनेस होते हैं, क्रेपिट्स इररेगुलर एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है। इफ्यूजन, सबलग्जेशन, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट मूवमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ एसोसिएटेड मसल्स। इन्वेस्टिगेशंस, रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सरे पे पता चलेगा जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो हो सकता है। सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस, मीन्स जो जॉइंट है उसकी हार्डनिंग हो सकती है। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो सकते हैं एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, ESR फॉर आर्थरोस्कोपी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के जो प्रिंसिपल्स रहेंगे वो किस बेस पे होंगे? डिले अकरेंस, जो पेन है, जो डिजीज कंडीशन है वो डिले की जाए। स्टॉल प्रोग्रेस, जो उसकी प्रोग्रेशन है उसको कम किया जाए। एंड फाइनली रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन मीन्स रिकवरी आफ्टर डैमेज।
सो फर्स्टली एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड की जाएंगी, ड्रग एनाल्जेसिक्स, पेन को रिमूव करने के लिए. देन कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स का यूज़ किया जाएगा, ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स एंड हाइलुरोनिक एसिड, सोडियम हाइलुरोनेट यूज़ किया जाएगा, सो दैट जो जॉइंट्स हैं उनके आर्टिकुलेशन कार्टिलेजेस की वो प्रॉपर हो. एंड सपोर्टिव थेरेपी विद रिडक्शन अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड जो लोकल हीट एक्सरसाइजेस हैं वो उनको कम किया जाएगा. एंड लास्ट इज सर्जरी. सर्जरी की अगर बात करें तो ऑस्टियोटॉमी, जो जॉइंट्स पेन है या अदर सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, वो सब रिलीव करने के लिए. जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, जॉइंट डेब्रिडमेंट, जॉइंट डेब्रिडमेंट में जो भी डैमेज कार्टिलेज या बोन पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं एंड कंडीशन बेटर हो सकती है. एंड आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर, दिस ऑल कैन बी ट्रीटमेंट गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस. होप सो दिस इज यूजफुल फॉर यू. एंड फॉर मोर नॉलेज कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन. शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.